हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं और ये जो गाड़ियां हैं उनकी सेफ्टी तो कमाल की है ही, लेकिन इनके फीचर्स भी बेहद ही लाजवाब है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना और हो सकता है कि में से कोई गाड़ी आपके दिल को छू ले। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑडी Q8 e-tron। ऑडी इंडिया आधिकारिक तौर पर 18 अगस्त को देश में अपने Q8 e-tron स्पोर्टबैक को लॉन्च करेगी। यह यहां जर्मन ऑटो दिग्गज द्वारा एक अपस्केल ऑल इलेक्ट्रिक ऑल लग्जरी मॉडल के रूप में स्थापित की जाएगी। e-tron भारत के लिए ऑडी की पहली ईवी थी और अब Q8 e-tron इसे रिप्लेस करेगी। ऑडी Q8 e-tron ईवी अपनी ड्राइव तकनीक में कई अपडेट का दावा कर रही है। इसके बारे में दावा किया गया है कि यह न सिर्फ इसके परफॉर्मेंस को बल्कि इसकी रेंज और चार्जिंग समय को भी बढ़ाएगा। Q8 e-tron स्पोर्टबैक दोनों मूल रूप से एक ही मॉडल है, लेकिन स्पोर्टबैक में एक स्वेप्टबैक रूफलाइन है जो इसे बेहतर ड्रेग कोएफिशिएंट आंकड़ा हासिल करने में मदद करती है। बॉडी Q8 e-tron के डिजाइन हाइलाइट्स में चेहरे पर एक ब्लैकआउट ग्रिल, एक नया मोनोक्रोम 2D ऑडी लोगो, दोनों तरफ बड़े एयर इंटेक के साथ एक अपडेटेड फ्रंट बम्पर डिजाइन, नए सिरे से तैयार किए गए रियर बम्पर और बहुत कुछ शामिल है। केबिन में ऑडी Q8 e-tron कई फीचर्स से लैस है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 16 स्पीकर बैंड और ओल्फसन साउंड सिस्टम, मसाज और मेमोरी फंक्शन, 7 वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, 1 इंच मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, HVAC को कंट्रोल करने के लिए इसके नीचे दूसरी स्क्रीन और बहुत कुछ शामिल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट एक बहुत बड़े 114 kWh बैटरी पैक में सामने आता है, जो एक बार फुल चार्जिंग से ऊपर की रेंज का दावा करती है। बैटरी डॉल मोटर सेट अप को पावर देती है और मॉडल 408 BHP का पावर और 664 NM का टॉर्क जनरेट करता है। Q8 e-tron क्वाट्रो ऑलिव हिल ड्राइव सिस्टम के साथ भी आती है। टोयोटा न्यू वेलफायर। जापानी ऑटो दिग्गज टोयोटा ने वेलफायर MPV के न्यू जनरेशन मॉडल को वैश्विक बाजारों में लॉन्च कर दिया है। प्रीमियम MPV जो भारत में भी बेची जाती है को अपनी नई पीढ़ी में कई अहम अपडेट हासिल हुए हैं। नई वेलफायर नए लेक्सस LN प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो पावरट्रेन के नए सेट के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी के अलावा इसे और ज्यादा आकर्षक ऑफर बनाने के लिए डिजाइन में कई बदलाव के साथ आती है। नई वेलफायर MPV के भारत में अगले साल सड़कों पर उतरने की उम्मीद है। नई वेलफायर में एक प्रमुख अपडेट इसके इंजन में किया गया है। टोयोटा अब इसे 2 पेट्रोल इंजनों के साथ पेश कर रही है, जिनमें से एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। टोयोटा अपने हाल के ज्यादातर मॉडलों में हाइब्रिड पावरट्रेन की पेशकश कर रही है। वेलफायर जब भारत में लॉन्च की जाएगी तो हाइब्रिड पावरट्रेन की पेशकश करने वाले मॉडल के रूप में यह अर्बन क्रूजर HY राइडर और इनोवा HY क्रॉस जैसी कारों की जमात में शामिल हो जाएगी। टोयोटा वेलफायर 2024 में 2.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड पावरट्रेन दिया जाएगा। टोयोटा ने इन दोनों इंजन में से किसी के भी परफॉर्मेंस के आंकड़े साझा नहीं किए हैं। हालांकि उम्मीद है कि टर्बो पेट्रोल यूनिट अधिकतम 260 HP का पावर जनरेट, हाइब्रिड वर्जन लगभग 250 HP का पावर जनरेट इंजन या तो डायरेक्ट शिफ्ट 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स या इलेक्ट्रिक कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन आएंगे। टोयोटा नई वेलफायर में 2-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव सिस्टम दोनों की पेशकश कर रही है। लुक और डिजाइन की बात करें तो नई वेलफायर अब अपडेटेड फ्रंट फेस साथ आती है, जिसमें आक्रामक फ्रंट बम्पर और ग्रिल पर वर्टिकल स्लैट शामिल है। अंदर की तरफ
टोयोटा ने आगे और दूसरी पंक्ति की सीटों के साथ साथ दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति की सीटों के बीच क्रमशः 5 मिमी और 10 मिमी ज्यादा जगह दी है। यह सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर ओटोमन सीटें देती है। टॉपफ्रेंज एग्जीक्यूटिव लाउंज वेरिएंट पावर स्लाइडिंग ओटोमन सीट मिलती है, जो कार निर्माता के मुताबिक दुनिया में पहली बार दी जा रही है। टोयोटा वेलफायर एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस अडास टेक्नोलॉजी भी पेश करेगी। यह फीचर पेश करने वाली यह भारत की पहली एमपीवी होगी। नई वेलफायर टोयोटा की सेफ्टी सेंस टेक्नोलॉजी से लैस होगी, जो लेन बदलने में मदद करने के लिए प्रोएक्टिव ड्राइविंग असिस्ट, रडार क्रूज कंट्रोल, लेन ट्रेसिंग असिस्ट, रिमोट पार्किंग के साथ आती है। इस एमपीवी में मल्टी ऑपरेशन टच पैनल, हीटेड लेग और मसाजर्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। केबिन के अंदर सबसे खास फीचर्स में से एक सुपरलॉन ओवरहेड कंसोल है। इसमें छत पर कई कंट्रोल बटन है, जिसमें खिड़कियां खोलने और एम्बिएंट लाइटिंग को एडजस्ट करने के फंक्शन शामिल है। वोल्वो C40 रिचार्ज वोल्वो की ओर से भारतीय बाजार में नई इलेक्ट्रिक SUV को पेश किया गया है। कंपनी की ओर से इस कार में क्या खूबियां दी गई है, इसकी रेंज कितनी होगी और इसे कब लॉन्च किया जाएगा? वोल्वो की ओर से भारतीय बाजार में नई इलेक्ट्रिक SUV C40 रिचार्ज को पेश कर दिया गया है। कंपनी की ओर से इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर यह दूसरी SUV है जिसे भारतीय बाजार में पेश किया गया है। वोल्वो की ओर से नई SUV C40 रिचार्ज को कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसमें L के डिजाइन में लाइट्स दी गई है और इसका लुक पिछले साल आई XC40 रिचार्ज की तरह रखा गया है, लेकिन कुछ अपडेट भी दिए गए हैं। वोल्वो की ओर से पेश की गई C40 रिचार्ज में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें LED लाइट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, बेहतरीन लेदरेट के साथ इंटीरियर पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड सीट्स जैसे फीचर्स को हीटेड सीट्स। वोल्वो C40 में कंपनी की ओर से 78 kWh की क्षमता की बैटरी दी गई है। इस बैटरी को 80% चार्ज करने में सिर्फ 33 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा इसमें जो मोटर दी गई है वह 150 kW की क्षमता की दो मोटर है। इस मोटर से SUV को की 402 BHP की पावर और 660 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यह SUV सिर्फ 4.5 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाई जा सकती है और फुल चार्ज SUV को करीब 530 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। वोल्वो C40 रिचार्ज SUV में कंपनी की ओर से कई सेफ्टी फीचर्स ऑफर, इनमें ABS, EBD, एयरबैग्स सहित कई सेफ्टी फीचर्स हैं। वोल्वो की ओर से अभी इस SUV को सिर्फ पेश किया गया है और इसका लॉन्च अगस्त में किया जा सकता है। अगस्त में लॉन्च के बाद इसकी डिलीवरी फेस्टिव दौरान शुरू की जा सकती है। इसकी कीमत की बात करें तो वोल्वो की ओर से इसे 60 लाख रुपए की संभावित कीमत के आसपास लॉन्च किया जा सकता है।